और इस वक्त फर्स्ट इंडिया सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को पैनल से दिखा भी जुड़ा रहा हुआ है। है और मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी संख्या में लोग इसके ऊपर डिपेंड हैं। और कृषि कानून जो अभी बीजेपी ने वापस लिए हैं, उनसे भी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव यही लोग हो रहे थे और मेरा विभाग भी हो रहा था। हम बड़ी ऊर्जा के साथ में इस विभाग में काम करेंगे और कैसे किसानों को फायदा हो सकता है, कैसे व्यापारियों का भला हो सकता है और कैसे रोजगारमुखी कृषि को इससे जोड़े। हम बहुत से फूड प्रोसेसिंग की ऐसी योजना है जिनसे हम किसानों का और व्यापारी को भला कर सकते हैं। बड़ी ऊर्जा के साथ में काम करेंगे, निश्चित जनता को एक अच्छा मैसेज आएगा। 2023 में हमारी सरकार वापस रिपीट होगी। तमाम कहते हैं मीडिया का शगुफा कहें या कह सकते हैं कि जो भी एक राजनीतिक उठापटक रही कि कहते हैं फलाना उस खेमे का है, लेकिन अब खेमेबाजी से ऊपर उठकर किस तरह से, चूंकि अब तो राज्य मंत्री परिषद के आप सदस्य हैं, तो आपके पास संपदा भी है, आपके पास पर्यटन राज्य मंत्री के तौर पर भी आप काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर ये उम्मीदें रहेंगी कि तमाम योजनाएं आगे बढ़ें, तो उन दोनों विभागों को लेकर भी किस तरह की योजनाएं रहेंगी? देखो, इच्छाओं को लेकर के उसको ग्रुपिंग नहीं कह सकते, हम सब एक होकर के मिल करके काम करेंगे। और इसके अलावा जो संपदा विभाग है, पूरे देश के अंदर हमारे प्रदेश की संपत्तियां हैं, हम कोशिश करेंगे उसका अच्छा से अच्छा सदुपयोग कैसे हो, उसका यूज कैसे हो। और जो पर्यटन के मामले में राजस्थान एक बहुत अच्छा स्टेट है, हम उसमें हमारे कैबिनेट मंत्री हैं महाराज विश्वेंद्र सिंह जी, उनके साथ मिलकर के हम कोशिश करेंगे कि पर्यटन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा कैसे मिले, क्योंकि राजस्थान में इसके लिए बहुत गुंजाइश हैं। धन्यवाद। हमारे साथ सविता जी भी हैं, आप अर्धांगिनी हैं, आप मुरारलाल जी की, मैम आपको भी बहुत बधाई, आप भी खुद राजनीति में काफ़ी सक्रिय रही हैं, अब ये दूसरी बार जिम्मेदारी मिली है, वैसे आपको क्या लगता है कि किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी और आपका सहयोग किस रूप से रहना है उसमें? देखो, हमारी ये जो सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने और हमारे अजय माखन जी ने, सचिन पायलट साहब ने, मुख्यमंत्री जी ने विशेषकर, सबने हमको ये जो जिम्मेदारी दी है उसको हम बखूबी निभाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि अच्छा से अच्छा करें और हमारी जनता को और आगे आने वाले टाइम पे हमारी सरकार वापस रिपीट। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, विधिवत पूजा अर्चना के साथ आज मुरारीलाल मीना जी ने अपनी सहधर्मिणी सविता जी के साथ पदभार ग्रहण कर लिया और निश्चित तौर पर उम्मीदें हैं कि वो कृषि विपणन, क्योंकि आज तीनों जो कृषि कानून है उनको भी कैबिनेट में वापस लिया जाएगा, तो एक संयोग है कि आज ही इनका पदभार ग्रहण करना हुआ, तो निश्चित तौर पर उम्मीदें हैं और माना जा रहा है कि उम्मीदों में आप खरा भी उतरेंगे। कैमरा पर्सन विजय के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। सहयोगी निर्मल तिवारी को आप सुन रहे थे, जो मंत्री मुरारीलाल मीणा और उनकी पत्नी से खास बातचीत कर रहे थे।